एंसेस्टर ऑन योर टेबल बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। नवरात्रों के अंतिम दिवस के व्रत के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत यमी टेस्टी एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है साबूदाना बड़ा। साबूदाना बड़ा बहुत बार ऐसा होता है कि सौगी सौगी सा बन जाता है, क्रिस्प नहीं होता है, टेस्टी नहीं होता है। आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि आपके साबूदाने के बड़े बिल्कुल इसी तरह क्रिस्प बनेंगे। इसमें लगने वाली सारी सामग्री जल्दी से आप कुकिंग टॉप पे ले आइए, झटपट मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाइए और फटाफट घर वालों को सर्व करिए टेस्टी टेस्टी साबूदाने बड़े। चलिए, 7 से 8 आलू मैंने मीडियम साइज़ के उबाल के छील लिए, तो उन्हें हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। एक बार तो मैशर की सहायता से मैंने मैश किया है, अब हाथ से भी बहुत स्मूथ टेक्सचर में हमें आलू को ले आना है। चलिए, आलू को बहुत अच्छे से हमने मैश कर लिया है। अब 4 से 5 घंटा भीगा हुआ साबूदाना, जिसको मैंने पानी निकाल के आधे घंटे रख दिया था, उसको हम थोड़ा थोड़ा आलू में ऐड करेंगे। और ध्यान रखना है, हमें लास्ट में 2 टेबल स्पून साबूदाना बचा भी लेना है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए आलू के साथ, एक साथ मत ऐड करिएगा। साबूदाना मिक्स हो गया है, मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून बचा भी लिया था, आपसे पहले बताया था। अब इसमें कटी हुई धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग महीन कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, ये सब चीज़ें डाल के हमें मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद हम इसको अभी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले 4 से 5 लौंग कुटी हुई कूट के हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे आपके साबूदाने का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया बड़े बनेंगे इससे। साथ में 1 अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके आप ऐड कर लीजिए। ये हम व्रत के लिए साबूदाना बड़े बना रहे हैं, आप नॉर्मल डेज में भी इस तरीके से बड़े बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब इस सारे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो एक बड़े बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए, अब इसमें हम कुछ चीज़ें और मिलाएंगे, जिसमें 2 छोटे चम्मच घर का भुना जीरा। जीरे को पहले तवे पे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट, फिर उसको पीस लिया था, तो भुने जीरे का पाउडर है ये। साथ में मैंने जो बचा हुआ साबूदाना 2 टेबलस्पून बचा लिया था, उसको ऐड करके हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैश मत कर दीजिएगा, जो बाद वाला साबूदाना है वो खड़ा खड़ा दिखाई देना चाहिए, इसलिए हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा। अब मैंने 1/2 कप मूंगफली को भून के ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। मूंगफली को ऐड करने से फ़ायदा ये होता है, जो मूंगफली होती है वो मॉइस्चर को खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपके साबूदाने के जो बड़े होंगे बहुत क्रिस्प और टेस्टी बनेंगे। इन्हें भी हल्के हाथों से हमें मिक्स कर देना है। मूंगफली अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मैं इसके साथ एक चटनी भी आपको बताऊंगी, जो इन बड़े के साथ आपको बहुत टेस्टी यमी चटनी लगेगी। अब मिक्सचर पूरा तैयार हो चुका है, हमें बड़े बनाने हैं। देसी घी लीजिए थोड़ा सा हाथ में, और फिर जो ये मिक्सचर है उससे एक बॉल, मीडियम साइज़ की एक बॉल लीजिए और उसको हथेली में रख के थोड़ा सा चिकना करिए, घी से वो चिकना भी होगा और हाथ में लगेगा भी नहीं कोई मिक्सचर। फ्लैट करते हुए बीच में हमें होल कर देना है, आर पार बिल्कुल होल होना चाहिए। इस तरीके से हमें बड़े का शेप देना है अपने साबूदाने के बड़े को। इस तरह का शेप देने का एक रीज़न और है, जब हम तेल में इन्हें तलेंगे तो जो आप जब तलेंगे तो बीच में होल होने के कारण तेल बीच से भी बड़ों के अंदर जाएगा और हमारे बड़े इक्वल रेंज में ही तलेंगे और बहुत बढ़िया क्रिस्प बनेंगे। साथ में बराबर तलने के साथ ये कच्चे नहीं रहे, कहीं कच्चे कहीं पक्के नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से तल जाएंगे। इसी तरीके से सारे बड़े हमें तल लेना है, ध्यान तलने से पहले बना लेना है। मैं पहले ही तलने, मेरी बहुत जल्दी हो रही तलने की, तलना नहीं, पहले बना तो लेते ही हम लोग। मीडियम मोटाई रखिएगा, बहुत पतले मत बनाइएगा। सारे बड़े मैंने बना लिए हैं, इन्हें हम 1/2 घंटे के लिए ढक के फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही तलेंगे। तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। हमने 1/2 कप भुनी पिसी मूँगफली ली है, इसमें धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, जितना चटपटा आप चाहते हैं,
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, एक छोटा चम्मच भुना जीरा और चार पांच अदरक के टुकड़े, साथ में सात आठ छोटे छोटे नारियल के टुकड़े ऐड किए हैं। लगभग 3 टेबल स्पून हम दही ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसको पीस लीजिए। एक चटनी का फॉर्म हमें देना है। अब इसमें चुटकी भर चीनी ऐड करके फिर से एक बार पीस लीजिए। ये आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप जब बड़े आपके तल जाए उसके साथ इस चटनी को ज़रूर सर्व करिए। चलिए अब हम बड़े की तरफ चलते हैं। आधे घंटे हो चुके थे, तेल हमने गरम किया। मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। व्रत में मूंगफली का तेल खा सकते हैं। जो भी आप तेल घी जिसमें भी करना चाहें, तेल में ही बड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब हम हाई फ्लेम पे बड़ों को तेल में डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा 1 से 2 मिनट बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अपने बड़ों को पलटते हुए मीडियम आंच पे ही हमें बड़े को तलना है। हाई फ्लेम पे मत तलिएगा, नहीं तो आपके बड़े सौगी सौगी से हो जाएंगे। बहुत जल्दी तलने के कारण फिर इनके टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, क्रिस्प नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे बड़े हम तल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी रेसिपी और कितनी जल्दी बन जाती है। और आप इसको कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। और व्रत में भी एक टेस्टी ऑप्शन है आपके पास इतने बढ़िया क्रिस्पी वड़ों के साथ और देखने में भी खूबसूरत। इसी तरीके से पलटते हुए सारे वड़े आप सेक लीजिए और गर्मा गर्म अपने घर वालों को सर्व करिए। देखिए कितने बढ़िया, कितना अच्छा कलर आया है, कितने क्रिस्प हैं, ये तो आपको आवाज़ से ही पता चलना होगा। तो जल्दी से आप लोग भी तैयारी करके वड़े बनाइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।